सभी को मेरा नमस्कार। यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए है। इसमें निपुण लक्ष्य ऐप को सेटअप कैसे करें, गूगल रीड अलॉन्ग से कैसे जोड़ें और निपुण लक्ष्य ऐप में चैट के फीचर का उपयोग कैसे करें, इन तीनों विषयों के बारे में बताया जाएगा। शिक्षकों से यह अनुरोध है कि वीडियो के साथ साथ वे अपने फोन पर सेटअप करते हुए साथ चलें। सेटअप पूरा होने के बाद आप सभी विद्यार्थियों का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप पर कर सकेंगे। सबसे पहले हम निपुण लक्ष्य ऐप का सेटअप कैसे करें इस बारे में बात करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप निपुण लक्ष्य ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जब ऐप में अपडेट आते हैं तब आप ऐप को अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आप ऐप के अपडेटेड वर्जन का उपयोग नहीं करेंगे तब आपको सारे फीचर्स ऐप में नहीं दिखेंगे, इसलिए कृपया अपडेटेड वर्जन का उपयोग करें। निपुण लक्ष्य ऐप को खोलें और अलाउ पर क्लिक करें। ऐप को परमिशंस ना देने पर ऐप ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेसी पॉलिसी खुलने पर नीचे स्क्रॉल करें, मैं सहमत हूं इस पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें इस पर क्लिक करें। इस स्टेप पर डेटा डाउनलोड होगा, कृपया 100% डेटा डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। इस समय हाई इंटरनेट स्पीड होना जरूरी है। इस स्टेप के बाद यह ऐप ऑफलाइन भी कार्य कर सकेगी। प्रेरणा पोर्टल पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ दर्ज करें। सही नंबर न डालने पर यूजर नॉट रजिस्टर्ड, यह एरर मैसेज आपको दिखेगा, इसलिए कृपया सही नंबर दर्ज करें। अगली स्क्रीन पर कुछ समय प्रतीक्षा करें, ओटीपी आपके फोन पर भेजा जाएगा। ओटीपी आने पर अलाउ पर क्लिक करें, यह अपने आप रीड हो जाएगा। ओटीपी न आने पर विद्या समीक्षा केंद्र में कॉल करें। यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, यह मैसेज आने पर आपने निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉग इन कर लिया है, ठीक है इस पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपको स्वयं 4 अंक भरने हैं। ये 4 अंक निपुण लक्ष्य ऐप पर आपका पिन बन जाएंगे। अगली बार जब आप निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉग इन करेंगे तब आपको ये 4 अंक दोबारा भरने होंगे, इसलिए इन्हें याद रखें। अब ऐप का सेटअप पूरा हुआ, आप शिक्षक के प्रोफाइल का उपयोग कर सकते हैं। अब गूगल रीड अलॉन्ग ऐप का सेटअप कैसे करें यह समझते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप गूगल रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ने की गति मापने के लिए गूगल रीड अलॉन्ग ऐप आपके फोन में होना जरूरी है। ऐप पहली बार खोलने पर यह स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश पहला जो ऑप्शन है उसे चुनें। सहमति देते हुए मुझे समझ आ गया इस पर क्लिक करें। यह स्क्रीन आने पर ऐप को परमिशंस दें। माइक्रोफोन हेतु परमिशन दिए बिना ऐप काम नहीं करेगा। परमिशन के बिना विद्यार्थी के पढ़ने की गति नहीं मापी जा सकेगी। यह स्क्रीन आने पर लर्न टू रीड विद मी, यह पढ़ें ताकि ऐप टेस्ट हो जाए। इसके बाद हरे रंग के एरो पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर ऊपर के बाएं कोने पर ऑप्शंस पर क्लिक करें, तब एक लिस्ट खुल जाएगी। फिर लिस्ट में से पार्टनर कोड पर क्लिक करें। यह करने पर अगली स्क्रीन खुलेगी जिस पर पार्टनर जोड़ें यह हरे बटन पर लिखा होगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यूपी प्रेरणा लिखें। अब आपका सेटअप पूर्ण हुआ, आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे सेक्शन में निपुण लक्ष्य ऐप पर नए फीचर का उपयोग कैसे करें इसको समझते हैं। निपुण लक्ष्य ऐप पर शिक्षकों के लिए एक नया फीचर जोड़ा गया है। इस फीचर के माध्यम से शिक्षक विभाग द्वारा भेजी गई सूचना और सर्वे तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। विभाग से सूचना और सर्वे भेजे जाने पर आपको फोन पर नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक चैट खुल जाएगी। चैट पर क्लिक करने पर विभाग द्वारा भेजे गए सारे पत्र और सूचना आपको प्राप्त हो सकेंगे। सर्वे भरने पर आपके द्वारा भेजी गई जानकारी विभाग तक तुरंत पहुंच जाएगी। इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम निपुण लक्ष्य ऐप का अपने फोन पर सेटअप करें, कैसे उसे हम गूगल रीड अलॉन्ग ऐप के साथ जोड़ें और कैसे निपुण लक्ष्य ऐप पर जो नया चैट का फीचर आया है उसका उपयोग कैसे करें। अब आप निपुण लक्ष्य ऐप का पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से हर बच्चे का आकलन हर सप्ताह हो यह सुनिश्चित करें। निपुण लक्ष्य ऐप को आप एक थर्मोमीटर की तरह समझें जिससे आप प्रत्येक सप्ताह बच्चों की निपुण दक्षता प्राप्त हुई है या नहीं यह समझ सकते हैं। निपुण लक्ष्य ऐप का उपयोग
आप डाइट असेसमेंट्स एवं नैट परीक्षा की तैयारी कराने के लिए भी कर सकते हैं। निपुणलक्ष आपका पर आकलन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गणित के प्रश्न हल करते समय प्रश्न किताब पर या बोर्ड पर लिख दें ताकि बच्चे उनको हल कर सकें। रीड अलोंग पर पढ़ते समय आप अपना फोन बच्चे के करीब रखें ताकि उनकी आवाज़ माइक्रोफोन तक पहुंच पाए। फोन बच्चों के हाथ में ना दें, यह सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टेस्ट है, तो आप स्वयं उत्तर फोन पर भरें। अंत में कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए ऐप का उपयोग करते समय इन मुख्य बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। लॉगिन करते समय आपने जो 4 अंकीय पिन भरा है उसको याद रखें। दोबारा आप जब निपुणलक्ष ऐप पर लॉगिन करेंगे तब आपको ये पिन वापस भरना होगा। डेटा डाउनलोड होते समय कृपया हाई नेटवर्क एरिया में रहना सुनिश्चित करें। गूगल रीड अलॉन्ग से जोड़ते समय पार्टनर कोड पूछे जाने पर यूपी प्रेरणा छोटे शब्दों में ही भरें। माइक्रोफोन की परमिशंस दे दें ताकि ऐप ठीक से काम कर सके। यह प्रशिक्षण अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।